आज हम बनाएंगे बेसन की कतली, जिसे हम थोपा भी बोलते हैं, और इसी से हम बनाएंगे एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। एक बड़े बाउल में हम 2 कटोरी बेसन ले लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। जिस बाउल से हमने बेसन नापा था, उसी बाउल से नाप कर हम पानी ले लेंगे। तो ये हम इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। बेसन को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके घोल बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेसन के लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब इसमें हम 1/2 कटोरी पानी और ऐड करेंगे। और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस घोल की। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे और तेल को मीडियम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और जीरे को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने देंगे। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन होने तक भुन चुका है, तो अब इसमें हम 2 पिंच हींग डाल देंगे और बेसन का घोल ऐड करेंगे। घोल को हम धीरे धीरे डालेंगे और 1 चम्मच से धीरे धीरे चलाते जाएंगे। इस स्टेज पर हमें बेसन के घोल को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं। जिस बाउल में हमने बेसन का घोल बनाया था, उसमें 1/2 कटोरी पानी ऐड करके हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो यानी कि हमने बेसन में लगभग 3 कटोरी पानी लिया है। यानी कि जिस कटोरी से आप बेसन को नापें, उस कटोरी से हमें 3 कटोरी पानी लेकर धीरे धीरे ऐड करना है। तो ये देखिए, लगभग 5 मिनट में हमारा ये बेसन गाढ़ा हो गया है। लेकिन अभी ये अच्छे से पका नहीं है, तो इसे हमें अभी और पकाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेसन को हमें बीच बीच में चलाते जाना है, नहीं तो ये हमारा कढ़ाई में चिपकने लगेगा। अब हम बेसन को एक प्लेट से ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। जब तक हमारा बेसन पक रहा है, तब तक हम एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको ग्रीस कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम बेसन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा ये बेसन अच्छे से पक चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और बेसन को प्लेट में निकाल लेंगे। हाथों में इस तरह से तेल लगाकर हम हाथों को चिकना कर लेंगे और बेसन को हाथ की सहायता से फैलाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, बेसन हमारा अभी थोड़ा सा गर्म है, तो केयरफुली हमें इसको फैलाना है। अब हम बेसन को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे। तो बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, तो एक नाइफ में हम इस तरह से ऑयल लगाकर इसको पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। तो अब ये बेसन की कतलीज को हम इस तरह से प्लेट में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कितने आसानी से ये बाहर निकल रहे हैं और कितने बढ़िया बेसन कतली हमारे बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, अंदर से भी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, तो कितनी बढ़िया परफेक्ट एंड सॉफ्ट हमारी ये कतली बनकर तैयार हुई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने देंगे। जीरा भुन चुका है, तो अब इसमें हम ये बेसन कतली ऐड करेंगे। बेसन कतलियों को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी बेसन कतलियां। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और बेसन कतलियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से स्वादिष्ट बेसन की कतलियां बनकर तैयार है। इनको हमारे यहाँ थोपा भी बोलते हैं, तो आप इनको स्नैक्स में चटनी के साथ या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जो हमने बेसन की कतलियां बनाई है ना, इनकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है। तो बिना देरी के फटाफट बनाना शुरू करते हैं।
एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे को भुनने देंगे। जीरा हमारा भुन चुका है तो अब इसमें हम ये 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 इंच टुकड़ा अदरक का किसा हुआ, 5 से 6 कटी हुई लहसुन की कलियां और एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इसको हम चला देंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और अब इन सभी चीजों को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी अच्छी भुन चुकी है तो अब इसमें हम एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम इनको मैश कर देंगे और अब इसमें हम 1/2 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून या स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम इस पानी को अच्छा उबाल आने तक उबलने देंगे। तो ये देखिए पानी अच्छा उबलने लगा है तो इसको हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से उबलने देना है। अब हम इसमें बेसन की कतलियां ऐड करेंगे और कतलियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम सब्जी को स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक उबाल लेंगे। 5 मिनट बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सब्जी में 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। धनिया और नींबू के रस को हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए बेसन की कतली यानी कि थोपा की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनकर तैयार है। लेकिन इसकी ग्रेवी को मैंने थोड़ा पतला रखा है क्योंकि ये ठंडे होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो आप भी इसकी ग्रेवी को अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। तो चलिए आप सब्जी को हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। आप भी इस तरह से एक बार बेसन की कतली और उसकी सब्जी बनाकर देखें। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।